तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और नई नई प्यारी प्यारी लव स्टोरियाँ सुन रहे होंगे। ऐसी ही एक लव स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जुनूनियत की हर हद पार। ये कहानी है पृथ्वी महेश्वरी और प्रथा की। पृथ्वी महेश्वरी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, जिसका कनेक्शन माफियाओं से भी है, जो बहुत ही क्रूअल और एरोगेंट है। वहीं दूसरी तरफ प्रथा भार्गव, जो महेश्वरी एंटरप्राइज में ही पृथ्वी की मैनेजर है। प्रथा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर वो छुपाती है अपनी सुंदरता। इसका क्या राज है? ऐसा क्यों है? क्या होगा जब पृथ्वी और प्रथा बंध जाएंगे एक बंधन में? क्या मोड़ लेगी इनकी ये कहानी? आई होप गाइज, आप लोगों को इस स्टोरी का ट्रेलर पसंद आया हो। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इस स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। जुनूनियत की हर हद पार, फर्स्ट एपिसोड। देहरादून शहर। दिन का सूरज ढल चुका था और रात अपनी चादर फैलाए आ चुकी थी। लोग अपनी दुकानों को बंद करके अपने अपने आशियानों की तरफ बढ़ चुके थे और दूर कहीं झरने के पास कोई अपने दिल के दर्द को अपने शब्दों में गुनगुना रहा था। एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष होगी, लेकिन उनकी उम्र उनकी खूबसूरती को अभी भी कम नहीं कर पाई थी। औरत ने बेहद ही सिंपल रेड कलर की सिफॉन की साड़ी पहनी थी और एक सफ़ेद रंग का शॉल अपने चारों तरफ लपेट रखा था। औरत झरने के पास खड़े होकर गुनगुनाने लगती है। उस औरत की आंखों में आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे और तभी एक लड़की उस औरत के कंधे पर शॉल उड़ा देती है। लड़की औरत को हल्का डांटते हुए बोलती है, माँ, आपको कितनी बार मना किया है कि शाम के वक्त झरने के पास मत आया कीजिए, ठंड लग जाएगी आपको। लड़की की बात सुनकर औरत हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, आ गई मुझे डांटने वाली, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ है। लड़की हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, अगर मेरी माँ बड़ों की तरह ख्याल नहीं रखेगी तो उनकी बेटी को तो बड़ा बनकर अपनी माँ का ख्याल रखना होगा ना। इतना बोलकर लड़की अपनी माँ को पीछे से हग कर लेती है। औरत भी मुस्कुराकर अपना एक हाथ लड़की के गाल पर रख देती है और फिर इमोशनल होकर कहती है, तुझे पता है ना, जब मैं इस जगह पर आती हूँ तो मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है। इस जगह पर मेरी और वीर की बहुत सी यादें हैं, इसलिए हर शाम इस जगह पर आना मुझे अच्छा लगता है। लड़की अपनी माँ से अलग होकर कहती है, माँ, मैं जानती हूँ आपकी और पापा की बहुत सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, इस जगह से। आप अक्सर पापा को से यहीं पर मिलने आती थी, लेकिन माँ, पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। आप जानती हैं ना कि पापा शहीद हो चुके थे। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा माँ, मेरे पास पापा कभी नहीं थे, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ है। तो इसलिए आपको मेरे लिए अपना ख्याल रखना होगा, आपके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। औरत मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, फिर सीधी हो जाती है और लड़की को अपने सीने से लगा लेती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी प्रथा से। ये थी हमारी प्रथा की माँ, जो औरत गुनगुना रही थी वह थी प्रथा की माँ मोहिनी भार्गव, जो कि देहरादून कॉलेज में म्यूज़िकल टीचर थी और उनकी आवाज़ का पूरा देहरादून घायल था। जितनी अच्छी उनकी आवाज़ थी उतनी ही वो खूबसूरत। उम्र बेशक उनकी 40 वर्ष है, लेकिन उम्र का निशान अभी तक उनकी खूबसूरती को नहीं मिटा पाया। आज भी उनकी खूबसूरती वैसी ही बरकरार है, खूबसूरत, समझदार और ममता से भरा दिल।
कि वो मल्लिका हैं और शायद इसलिए पूरे कॉलेज में सभी स्टूडेंट की फेवरेट भी हैं। लेकिन समाज की नज़रों में उनसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से उनकी सारी अच्छाई कभी कभी इस गलती पर भारी पड़ जाती है। और वो गलती थी कि वो एक सिंगल मदर हैं, शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन पूरा देहरादून ये भी जानता है कि मोहिनी भार्गव की शादी कमांडर वीर से होने वाली थी और मोहिनी की बेटी के पिता कमांडर वीर हैं, क्योंकि मोहिनी और वीर की मोहब्बत के किस्से भी पूरे देहरादून में मशहूर थे। लेकिन शादी से पहले दिया बच्चे जिस बच्चे का जन्म होता है उसे कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उस बच्चे को नाजायज़ ही कहा जाता है। तो ये थी हमारी हीरोइन की माँ मोहिनी भार्गव। अब हम मिलते हैं प्रथा भार्गव से, 23 वर्ष की प्रथा भार्गव, जिसकी गहरी हरी आँखें दिखने में बहुत ही खूबसूरत लेकिन उन आँखों पर मोटे मोटे चश्मे का ग्रहण लगा हुआ था, गुलाब सी पंखुड़ी जैसे गुलाबी होंठ और 5 फीट 6 इंच की हाइट, दूध जैसा गोरा रंग, रश्मि ब्राउन कलर के लहराते बाल, खूबसूरती, समझदारी और बेखौफ अंदाज। खूबसूरत और समझदार प्रथा को अपनी माँ से विरासत में मिली थी खूबसूरती तो, और बेखौफ अंदाज चाहत को अपने पिता से विरासत में मिला था। लेकिन प्रथा को सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चाहत बहुत ही सिंपल रहती थी। प्रथा बहुत ही सिंपल रहती थी और प्रथा की आंखें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन फिर भी प्रथा जानबूझकर अपनी आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाती थी और अपने लंबे रेशमी बालों को हमेशा चोटी में बांध कर रखती थी। प्रथा ज़्यादातर ढीले कपड़े पहनती थी जिससे उसका फिगर ज़्यादा किसी को ना पता चले। मोहिनी जी प्रथा की माँ, बीच में ही प्रथा की बात काटते हुए बोलती हैं, हाँ हाँ मुझे पता है तू चश्मा इसलिए लगाती है ताकि कोई भी तेरा खूबसूरत चेहरा ना देखे, क्योंकि तुझे प्यार मोहब्बत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लड़का तुझे ताड़े और तेरा पीछा करे, इसलिए तू खुद ही अपना हुलिया बिगाड़ कर रखती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुझे प्यार मोहब्बत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है जबकि तू तो खुद ही एक प्यार की निशानी है। प्रथा थोड़ा सीरियस होकर कहती है, क्योंकि मैंने आपको अपनी अधूरी मोहब्बत में तड़पती हुए देखा है, रोते हुए देखा है, मजबूर होते हुए देखा है, इसलिए मैं इश्क और मोहब्बत से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि माँ मैं आपकी तरह मोहब्बत में तड़पना नहीं चाहती। मोहिनी जी चाहत के गाल पर हाथ रखकर बोलती हैं, लेकिन प्रथा अपनी माँ के हाथ को पकड़कर उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, बस कीजिए माँ, बहुत देर हो गई है, चलिए घर चलते हैं। मोहिनी मुस्कुराकर प्रथा का हाथ पकड़कर बोलती हैं, हाँ चलते हैं घर, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इश्क कभी ज़िंदगी में दस्तक देकर नहीं आता, हम इश्क को नहीं ढूंढते, इश्क हमें ढूंढ लेता है, और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब इश्क तेरी ज़िंदगी में भी बिना दस्तक किए आएगा। प्रथा अपनी माँ को कंधों से पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोलती है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा माँ, और अब आप अपनी हिफाजत मेरे आगे मत कीजिए, घर चलिए। और फिर प्रथा मोहिनी जी को गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर से थोड़ी दूरी पर हरियालियों के बीच घिरा एक शानदार विला सुनहरे अक्षरों में कार्पेट कार्विक राइटिंग में
कर्सिव राइटिंग में लिखा महेश्वरी विला, महेश्वरी पैलेस। पैलेस बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। पैलेस के आसपास चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, बहुत ही बड़ा गार्डन और एक तरफ स्विमिंग पूल था। पैलेस के अंदर का डिज़ाइन भी एकदम यूनिक और स्टाइलिश था। पैलेस के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स की सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए थे और पैलेस की पार्किंग एरिया में महंगी से महंगी चमचमाती हुई न्यू मॉडल की कार खड़ी हुई थी। पैलेस के अंदर सर्वेंट का एक काफ़ी बड़ा स्टाफ था जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। सभी की ड्रेस पर महेश्वरी फैमिली के लोगो बना हुआ था। एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था और कोई किताब पढ़ रहा था जिसकी नाइट ड्रेस पहन रखी थी। आदमी की उम्र तकरीबन 50-55 वर्ष ही होगी, लेकिन उस आदमी ने अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ था। और तभी एक 30 वर्ष की औरत जिसने एक सेक्सी सी नाइटी पहनी हुई थी सीढ़ियों से बड़ी ही अदा में चलकर उस आदमी के पास आती है और उस आदमी के हाथ से किताब को लेकर गोद में बैठ जाती है और उनकी गले में अपनी बाहें डालकर बड़ी ही अदा से बोलती है, डार्लिंग मैं कब से तुम्हारे रूम में इंतज़ार कर रही हूँ और तुम यहाँ किताब को घूर रहे हो। अगर पढ़ना ही है तो मुझे पढ़ो, अगर देखना ही है तो मेरे जिस्म की खूबसूरती को देखो, कहाँ इन किताबों में लगे हो। आदमी भी मुस्कुराकर लड़की की कमर में हाथ डालता है और उसे खुद से चिपकाकर होंठों पर होंठ रख देता है। अगर मुझे पता होता कि मेरी डार्लिंग इतनी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए मिलते हैं महेश्वरी फैमिली से। ये हैं जीत सिंह महेश्वरी और उनकी गोद में बैठी हुई लड़की इनकी तीसरी वाइफ शालिनी शेखावत है। जीत सिंह शेखावत ने अब 3 शादियां कर चुके थे। जीत सिंह शेखावत ने अब तक 3 शादियां कर चुकी ली थी। पहली शादी उन्होंने 30 साल पहले की थी और पहली शादी उनके पिता ने ही अपने दोस्त की बेटी से करवाई थी। जीत सिंह महेश्वरी की पहली बीवी का नाम था माधुरी अजी। जीत और माधुरी का एक छोटा बेटा था अर्जुन सिंह महेश्वरी जो हमारी कहानी के सेकंड मेन लीड हैं। इनके बड़े बेटे का नाम है पृथ्वी महेश्वरी। इनकी पहली शादी 12 वर्ष तक चली। 12 वर्ष बाद इनकी पहली बीवी किसी अमीर आदमी के साथ इन्हें छोड़कर चली गई। माधुरी जी के जाने के बाद 2 साल बाद ही जीत सिंह ने महेश्वरी ने दूसरी शादी करी अनामिका के साथ और उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। फिर इनकी दूसरी शादी भी टूट गई। बस इनके अफेयर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे मेन लीड हैं पृथ्वी सिंह महेश्वरी। महेश्वरी एम्पायर पृथ्वी ने अकेले अपनी मेहनत से खड़ा किया था, लेकिन पृथ्वी की मेहनत का फ़ायदा उनके पिता ने भी बहुत अच्छे से उठाया था और अब 3 महीने पहले ही पृथ्वी के पिता ने तीसरी शादी शालिनी से की थी। शालिनी के पास उनकी माँ गायत्री भी महेश्वरी विला में ही रहती थी, लेकिन जीत महेश्वरी के साथ फ्लर्ट करने का मौका गायत्री भी कभी नहीं छोड़ती थी। जीत सिंह महेश्वरी की दूसरी बीवी से 2 बच्चे थे जो महेश्वरी पैलेस में ही रहते थे और दोनों ही बड़े भाई पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। पृथ्वी का छोटा भाई विवेक सिंह महेश्वरी, लेकिन विवेक को अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए विवेक को सब प्यार से मोंटी बोलते थे। और सबसे छोटी बहन वंशिका सिंह महेश्वरी, मोंटी अपनी भाई से 5 साल छोटा था और वंशिका 9 साल। मोंटी
पृथ्वी के साथ उसके बिजनेस में उसकी मदद करता था और वंशिका अभी कॉलेज में पढ़ती थी। दूसरी तरफ देहरादून शहर के बीचों बीच एक आलीशान इमारत खड़ी थी और उसे इमारत पर लिखा था महेश्वरी इंटरप्राइज। और उस बिल्डिंग के 20वें फ्लोर पर एक मीटिंग हॉल में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग शांति से बैठे हुए थे और स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। वहाँ पर 24-25 साल का अपनी लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा था। ये लड़का और कोई नहीं विवेक था। मीटिंग हॉल में एक बड़ा सा टेबल था जिसके चारों तरफ महेश्वरी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे और इन्हीं के बीच हेड चेयर पर एक राजा, हमारे हीरो पृथ्वी सिंह महेश्वरी। पृथ्वी के चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशंस नहीं थे। पृथ्वी एक विवेक की प्रेजेंटेशन बहुत ही ध्यान से देखे जा रहा था। और फिर थोड़ी देर में ही प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है और कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। सभी लोग को विवेक की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन आखिरी डिसीज़न हेड चेयर पर बैठे पृथ्वी का ही था। अब सभी लोग उस हेड चेयर की ओर देखने लगते हैं। अब विवेक भी उम्मीद भरी नज़रों से उस शख्स की ओर देख रहा था और फिर वहाँ पृथ्वी की कड़क आवाज़ पड़ती है, क्या तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नज़र आई? विवेक थोड़ा घबराकर सभी बोर्ड मेंबर को देखता है और एक बार अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ फिर सामने बैठे शख्स की तरफ देखकर बोलता है, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, लोगों को हमारा प्रोजेक्ट पसंद आएगा और मुझे लगता है वे ज़रूर इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे। विवेक की बात सुनकर सामने बैठे आदमी अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाते हुए कहता है, तुम्हें लगने से या तुम्हारे मानने से बिजनेस नहीं चलता विवेक, बात इतनी है, अगर तुम्हें बेचना आता है तो तुम सामने वाले की चीज़ सामने वाले को ही बेच सकते हो। तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन इसमें लोगों का 40% से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सामने वाले लोगों को अगर तुमने विश्वास दिला दिया कि तुम्हारा प्रोजेक्ट उनके लिए 100% फ़ायदेमंद है, तो तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। और एक बात हमेशा याद रखना विवेक, सामने वाले इंसान को वो दो जिसकी उसे ज़रूरत है। तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग सामने वाला इंसान तुम्हारा प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा। और तुम जो प्रोजेक्ट मार्केट में लाना चाहते हो, अभी इसकी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदें, तो पहले इनको अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मजबूर करो। तो पहले अपने प्रोडक्ट को लोगों की नज़रों में उनके लिए उनकी ज़रूरत बनाओ, फिर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। इतना बोलकर वह शख्स खड़ा होता है और मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। ये थे पृथ्वी सिंह शेखावत, उम्र 27 साल, हाइट 6'4" मस्कुलर बॉडी, आर्ट ऐप गेरुआ रंग, नीली आँखें, परफेक्ट जो लाइन, हल्की हल्की चेहरे पर दाढ़ी, बिल्कुल कामदेव का रूप लग रहे थे। उनकी कंपनी ना जाने हर साल कितने मॉडल को हायर करती थी, लेकिन पृथ्वी सिंह महेश्वरी लोगों के मानने में हर मॉडल को फेल करता था। महेश्वरी कंपनी जिसका अपना एक ब्रांड था और इनमें ज्वेलरी से लेकर मेकअप तक की हर चीज़ें बनती थी, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, बैग, फर्नीचर सभी इस कंपनी के ब्रांड थे। और इसके अलावा महेश्वरी कंपनी के अस्पताल, स्कूल और कॉलेज भी थे। महेश्वरी कंपनी का CEO पृथ्वी सिंह महेश्वरी। पृथ्वी ने अपनी मेहनत, लगन और दिमाग के बलबूते पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। पृथ्वी अपने आलीशान केबिन में बैठा कुछ फाइलों को देख रहा था कि तभी
पृथ्वी के केबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। पृथ्वी बिना देखे कमिंग बोल देता है, तभी विवेक अंदर आता है। विवेक पृथ्वी की सामने वाली चेयर पर बैठकर बोलता है, सच कहा भाई आपने, लोगों को हमें वही देना होगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अपना बिजनेस का एक्सपीरियंस कमाल है भाई। विवेक की बात सुनकर पृथ्वी के काम करते हुए हाथ रुक गए। पृथ्वी विवेक की तरफ देखते हुए बोला, बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं दिमाग होना चाहिए। अगर इंसान बेचने पर आए तो हवा को भी बेच सकता है, फर्क सिर्फ इतना है बेचना आना चाहिए। पृथ्वी की बात सुनकर विवेक का चेहरा उतर जाता है, लेकिन पृथ्वी जानता था कि उसका भाई ऐसा ही है। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, वैसे भैया आपकी असिस्टेंट मिस भार्गव 2 दिन से नज़र नहीं आ रही हैं, मेरी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल उनके पास हैं। पृथ्वी वापस से अपने काम करते हुए बोलता है, मिस भार्गव ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए पुणे गई थी, कल सुबह ही कंपनी में वो आ जाएंगी। पृथ्वी की बात सुनकर विवेक अपने मन में बोलता है, भाई और इनकी असिस्टेंट दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, अपने काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो दोनों बिजनेस को तो ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इनकी लव लाइफ कैसी होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी फर्स्ट नाइट पर भी दोनों मीटिंग ही अटेंड करेंगे या फिर बिजनेस के रिलेटेड एक दूसरे से बातें करने लगेंगे। मिस भार्गव मुझे प्रॉफिट से मतलब है, मुझे अपनी कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही चाहिए। और फिर मिस यस सर, मेरे पास कुछ आइडिया है जिससे आपकी कंपनी सही हो जाएगी। फिर मोंटी अपने ही ख्यालों में हंसते हुए कहता है। मोंटी को हंसता हुआ देखकर पृथ्वी उससे कहता है, व्हाट हैपेंड? तो विवेक कहता है, नथिंग भाई, सब ठीक है। विवेक काफ़ी चुलबुला कैरेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा समझदार और अपने भाई से बहुत प्यार करता है। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, आज की फर्स्ट एपिसोड पसंद आया हो। और अगर आपको आगे जानना है कि इस स्टोरी में क्या होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।